लग रहा है हाँ यार लग रहा है कि जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना तो पोस्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सर। मेरे लिए स्पोर्ट्स क्या है पता, कि अगर किसी के हाथ में बहुत दर्द है, बॉल खींच कर मार दिए तो क्या होगा, मसल धीरे धीरे वीक होते जाए, लिगामेंट टेंडन जो है वो डैमेज होते जाए। अंकल मैं इस साइड में 1 2 3 पढ़ाई भी करते हो, खेलते भी हो, बट अगर सोगे नहीं ना अच्छे से तो बॉडी। मैम का ग्रुप है सर लोग। हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम GH05। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज हमारे बीच आने वाली है श्रेया सिंह। सी इज़ अ सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड एज वेल एज अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। सो सी विल बी हेल्पिंग द क्रिकेटर्स अबाउट इंजुरीज बोथ मेंटली एंड फिजिकली। सो आज का वीडियो में आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वी आर वेटिंग फॉर हर, स्टे ट्यून्ड। गुड इवनिंग बॉयज। तो आज हमारे बीच उपस्थित है लकीली श्रेया मैम। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सी सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड एज वेल एज योगा इंस्ट्रक्टर। तो आज ये हम लोग से बात करेगी किस तरह से हम लोग इंजरी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 3 ईयर सी इज हेल्पिंग द इंजर्ड पीपल्स विदाउट द मेडिसिन। ओके, सो ओवर टू यू श्रेया। दीज आर द क्रिकेटर्स, द फास्ट बॉलर्स एंड ऑल अवर जूनियर क्रिकेटर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। एक्यूप्रेशर पता है, सुने तुम लोग आज तक? तो सबसे पहला चीज़ कि एक्यूप्रेशर एक ऐसा थेरेपी है जो प्रॉब्लम को ठीक करता है विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, अगर किसी के हाथ में बहुत दर्द है या फिर पेट में बहुत दर्द है, पेट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करते हो बताओ कोई? हाँ, दवाई लेते हो। सबसे पहला काम यही है, पेट में दर्द है या कहीं भी प्रॉब्लम है हम लोग मेडिसिन लेते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन नहीं खाने देते हैं किसी को, कुछ ऐसा पॉइंट प्रेस करते हैं बॉडी में जिससे वो पेट का दर्द ठीक हो जाए। अब जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो बताओ? बैक पेन, ओके, एंकल ट्विस्ट। अच्छा, और एक चीज़, तुम लोग सारे लोग स्पोर्ट्स मैन हो, कब से खेल रहे हो? कुछ बिगनर्स है, कुछ हो गया 2-3 साल। 2-3 साल से खेल रहे हो, कोई मेरे को बताएगा कि स्पोर्ट्स क्या है? ओहो, वेरी गुड। ये समझ सकते हैं कि कोई स्पोर्ट्स खेलता है या क्रिकेट खेलता है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक है, तो एज अ थेरेपिस्ट हम वो समझ सकते हैं तो शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग का। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स क्या है पता, स्पोर्ट्स एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी है जो आपके पूरे बॉडी, माइंड, एनर्जी, थॉट सबको कलेक्ट कर वो पूरा एक जगह इन्वॉल्व कर देता है। एक चीज़ बताओ, पढ़ाई में किसको किसको मन लगता है? लगता है। पढ़ाई में किसको किसको मन नहीं लगता है? नहीं लगता है। मम्मी कितने बार डांटती है कि बेटा पढ़ो, ध्यान लगाओ, मन से पढ़ो, डांटती है ना। बट कभी भी तुम लोग ऐसा फील हुआ है कि स्पोर्ट्स में मन नहीं लग रहा है? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि कल मैच है, नहीं सर आज हम नहीं खेलेंगे? कोई को बोला है एक बार भी? या फिर ओके, या फिर खेलते खेलते कभी ऐसा होता है कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, पूरा मन लग जाता है? तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है ना जो आपके पूरे पर्सनालिटी को मतलब इन्वॉल्व कर देता है, आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देता है। आप लोगों के पास बेस्ट चीज है स्पोर्ट्स। पढ़ाई तो सब करता है बट साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बोला एल्बो ट्विस्ट हो जाना, एंकल ट्विस्ट हो जाना, बैक पेन हो जाना, आपने बोला हैमस्ट्रिंग पेन हो जाना, तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो अगर समझे, क्रिकेटर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मस्कियोस्केलेटन प्रॉब्लम, मसल और स्केलेटन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये बॉटल गिर गया, अगर इसको उठाना है, ठीक है, तो ऐसे करके उठाए तो किसके मदद से हम लोग ये बॉटल उठा पाए? मसल के वजह से। ठीक है, तो पहले हम लोग का बोन है, बोन के ऊपर क्या है, मसल है। तो मसल का काम है बोन को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना। मेंटली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? नर्वस हो जाते हैं। मेंटली तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना, दो मैचों परफॉर्मेंस नहीं होता, तो थर्ड मैच में ये लोग को मेंटली डर रहता है कि अब तो परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अगला मैच चांस मिलेगा कि नहीं, राइट, तो प्रेशर रहता है, पूरा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है,
एंजाइटी होता है, पता नहीं कल क्या होगा, कौन सा मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, राइट, ये सब होता है। तो फिजिकल चैलेंजेस अलग है, मेंटल चैलेंजेस अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर कैसे हेल्प करेगा ये सब चीज़ को सॉल्व करने में, ठीक है। थकान तो लगता ही है, प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, राइट। और कभी कभी लोग पानी नहीं पीते तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड लोग बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे एक्यूप्रेशर में अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसके लिए एक लाइफ सेविंग पॉइंट है कि कैसे उसको एक पॉइंट प्रेस कर कर होश में लाया जाए, ठीक है, बताएंगे बाद में। बट पहले ये बताइए कि अगर कोई बेहोश हो जाए क्रिकेट फील्ड में तो आप लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे। जस्ट नोज के नीचे, लिप्स के ऊपर, यहाँ पे एक वी शेप है ना, सब अगल बगल देख सकता है सबके लिप्स में, यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं फॉर 30 seconds तो होश वापस आ जाता है, ठीक है। इसका ये लिप्स है, देखो देखो ये लिप्स है, लिप्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे हम ऐसे प्रेशर देंगे, ठीक है, 30 seconds के लिए होल्ड करेंगे। वन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक लग रहा है? स्माइल कर दो थोड़ा। अंडर द नोज, ऑन द लिप्स, यहाँ पे जहाँ पे देखे हम लोग, इसको पॉइंट दबाने से कॉन्शियसनेस वापस आता है, इंसान होश में आता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लाइफ सेविंग पॉइंट। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इन सबके लिए, लाइक दे यूज टू अवॉइड द वार्म अप एंड द बेस्ट, जैसे लोग आते हैं हम लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोग होता है कि लेट आ जाते हैं, तो 3-4 लोग लेगा लेट आ गए तो बोलो, फिर बोलते वार्म अप करो, तो दे यूज टू से सर हम तो चल के ही आ रहे हैं तो क्या एक्सरसाइज करें, क्या तो काफी ज्यादा लोग वार्म अप अवॉइड करते हैं, रनिंग रनिंग वनिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये लोग? बेसिकली इंजरी देखा जाए तो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी वार्म अप नहीं है, रेडी नहीं है कि आप इतने जोर से बॉल मार दीजिएगा, और आप वार्म अप अपने आप को रेडी नहीं किए हैं और सीधा बॉल खींच कर मार दिए तो क्या होगा, मसल धीरे धीरे वीक होते जाएगा, लिगामेंट टेंडन जो है वो डैमेज होते जाएगा, ठीक है, एंड जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी, मसल स्प्रेन या स्ट्रेन होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी को रेडी करना। अगर तुम सो रहे हो, अचानक से तुमको बुक ला कर दे दिया पढ़ो, होता तो नहीं है, सोते हो, नींद टूटता है, मूड होते हो, होश में आते हो, फिर जाकर बुक पढ़ते हो या कोई इम्पॉर्टेंट काम करते हो, तो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वैसे क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है वार्म अप करना। हैमस्ट्रिंग पेन है, अच्छा मसल पुल हो जाता है, आप कह रहे हो कि ये आपको हमेशा होते रहता है या फिर अभी है? अच्छा ओके, हमेशा होते रहता है। कि जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना तो पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस वे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप अवेयर रहेंगे ना हर अपने बॉडी मूवमेंट को लेकर, हर एक बॉडी मूवमेंट, इवन आप झुक रहे हैं तो आप अवेयर है कि आप कैसे झुक रहे हैं, तो फिर उतना ज़्यादा मतलब स्प्रेन आपको जो हो गया है, हो जाता है हैमस्ट्रिंग में, वो कम होगा अगर आप अपने हर एक मूवमेंट को लेकर अवेयर रहिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे एंकल में, इस साइड में ये लोगों का टेंडन होता है, तो एंकल पे लोगों को जैसे बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलर तो एंकल पड़ता है तो उसमें पेन होता है, तो उसके लिए कुछ लोगों को बता? नहीं, वही तो मेन है, लाइक मैंने 5 चीज प्रिपेयर करके लाई हूँ कि 5 पॉइंट आपको बताकर जाऊंगी जो आप लोगों के लिए काम आएगा। कभी भी बैक पेन हुआ तो वो पॉइंट दबाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो पहला तो मैंने बता दिया, माही आओ और आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, कभी भी बैक पेन हो तो ट्राई करके देखिएगा। ये पैर है हम लोग का, ठीक है, पैर का थंब साइड ये है, साइड है, ठीक है, तो इतना पार्ट को अगर आप प्रेस करिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका बैक पेन जाएगा, ठीक है। लाइक पहले थंब से ऐसे प्रेस करना है 10 seconds, फिर इसके जस्ट बगल 10 seconds, इसके जस्ट बगल 10 seconds, ऐसे कर 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 10 seconds कर कर पूरा हील तक आना है, तो ये बैक पेन के लिए आपको हेल्प करेगा। दोनों पैर, दोनों पैर, ठीक है।
तो सबसे पहला तो होश में लाने के लिए ये वाला पॉइंट, बैक पेन के लिए आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब नेक पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, नेक पेन के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हाथ है, जैसे पैर का थंब साइड था, हाथ का भी थंब साइड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला साइड, ठीक है, स्टार्टिंग से प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, बट 10 सेकेंड्स, इतना पार्ट को प्रेस करेंगे तो ये हमारा नेक है। एक्चुअली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, शोल्डर पेन भी बहुत होता है, राइट, अगेन ये हाथ है हमारा, ठीक है, हम लोग थंब साइड नेक के लिए प्रेस किए थे यहाँ पे, ठीक है, लिटिल फिंगर साइड जब हम लोग हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक बल्ज निकल गया है ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेस करने से ये शोल्डर का पॉइंट है, ये वाला हाथ तो, ठीक है, ये लाइन है, सिंपली लाइन के जस्ट नीचे इधर इसको प्रेस करने से, एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, लाइट प्रेशर नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ये करने से शोल्डर पेन रिलीफ मिलता है। नी में पेन है, रुक ऐसे कर, लग रहा है, हाँ याद लग रहा है, और एक चीज, सॉरी, प्लीज सोना अच्छे से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इतना बॉडी को लाइक तुम लोग एक्स्ट्रा काम करते हो, पढ़ाई भी करते हो, स्कूल भी जाते हो, सब कुछ करते हो, खेलते भी हो, बट अगर सोगे नहीं ना अच्छे से तो बॉडी रिकवर नहीं होगा, तो फिर और अच्छा नहीं खेल पाओगे। इस तरह से बताया मैंने आपको कि लास्ट 3 ईयर से मैम का ग्रुप है, सर लोग है, सारा ये लोग का टीम है जो कि हेल्प कर रहे हैं उड़ीसा में, जो कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बिना मेडिसिन का ठीक किया गया है, ठीक है ना, और इनका एक्यू हेल्थ करके यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोडेड है, लाइक यार आपके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो सारा वहाँ पर नी से लेके A to Z सारा कुछ वहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, तो अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है यार, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, चलो फिनिशिंग क्लैप देंगे मैम के लिए, थैंक यू। सो क्रिकेटर्स, जिस तरह से देखा हमारे बीच उपस्थित थी मिस रिया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह से हम लोग एक्यूप्रेशर के थ्रू इंजरी से रिकवर कर सकते हैं, उनका बॉडी पार्ट 4-5 उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से हम लोग इंजरी से बचना है, एंड बहुत यूजफुल चीज़ उन्होंने शेयर किया, सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम विथ हर, वी आर सो मच थैंकफुल दैट उन्होंने अपना टाइम हम लोग को दिया। जिस तरह से मैंने बताया कि उनका ग्रुप है, उनका टीम का यूट्यूब चैनल भी है एक्यू हिल्स करके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको किस तरह से आप एक्यूप्रेशर के थ्रू इंजरी से रिकवर करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ओके, सो जस्ट गो एंड सपोर्ट देयर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ओके ओके क्रिकेटर्स, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बिलीव इन योरसेल्फ, प्रैक्टिस वेल एंड यस परफॉर्म एट द राइट प्लेस, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।